दोस्तों, अगर आप भी बिहार के निवासी हैं और आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो फिर दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे बिहार में भी राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से या फिर दोस्तों आप अपने पीसी से राशन कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। दोस्तों, अगर आप राशन कार्ड अप्लाई करते समय में कुछ भी गलत करते हैं तो फिर दोस्तों आपका राशन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल विपिन। चलिए शुरू करते हैं। तो नया राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको EPDS की वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही आ जाएंगे, इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे राइट साइड में देखने को मिलेगा RC ऑनलाइन और यहां पे आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन RC, आप यहां पे क्लिक करेंगे। सो जैसे ही दोस्तों आप वहां पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे दोस्तों लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड कहाँ से आएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक यूजर मैनुअल भी दिया गया है, चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा स्टेप बताया गया है कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा राशन कार्ड के लिए। दोस्तों, यहाँ पे आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा तो आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि कैसे आपको राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे इस वेबसाइट पे EPDS के वेबसाइट पे रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे देंगे टू रजिस्टर क्लिक हियर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डालेंगे, जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनका नाम आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे उनका नाम हिंदी में डालेंगे। दोस्तों, यहां पे इंग्लिश में लिखेंगे और स्पेस का बटन दबाएंगे तो यहां पे ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। दोस्तों, यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं वो लेडीज होना चाहिए। दोस्तों, यहां पे राशन कार्ड लेडीज के नाम से ही बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे अपना ईमेल आईडी डालिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहां पे अपना एक मोबाइल नंबर डालिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहां गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहां गेट OTP पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों जो भी आप वहां पे मोबाइल नंबर डाले होंगे उस पे 6 डिजिट का OTP गया होगा, तो वो OTP आप यहां पे डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहां वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपका वहां पे OTP नहीं गया होगा तो आप यहां पे रिसेंड पे क्लिक करके अपना फिर से OTP भेज सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप वहां वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा। जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे उनका आप यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपका स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड डाल दीजिएगा। एरिया का पिन कोड डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपका नंबर अपर केस एंड लोअर केस भी होना चाहिए। जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे उस पासवर्ड को आप यहाँ फिर से कंफर्म कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी देखने को मिल जाएगा, तो आप इस लॉगिन आईडी को कहीं पे लिख लीजिएगा या फिर दोस्तों आप यहाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ ओके पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैक टू लॉगिन, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ बैक टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना आईडी लॉगिन करना होगा। तो जो भी दोस्तों लॉगिन आईडी आपको मिला होगा वो लॉगिन आईडी आप यहां पे डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आप जो पासवर्ड क्रिएट किए होंगे वो पासवर्ड को आप यहां पे फिल कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहां लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप यहां पे पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहां फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको पासवर्ड याद होगा तो आप यहां पे लॉगिन आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के आप यहां लॉगिन पे
क्लिक कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है जो कि दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड देना होगा, जिनका दोस्तों आप यहाँ राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनका यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, और जितना भी लोगों का आप इसमें ऐड करेंगे उनका भी दोस्तों यहाँ पे एक आधार कार्ड लगेगा, जो कि दोस्तों उसमें सेल्फ अटेस्टेड साइन होना चाहिए, यानी दोस्तों उस आधार कार्ड पे सिग्नेचर आपको करवाना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने बैंक का पासबुक देना होगा, जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे उनका यहाँ पे एक बैंक का पासबुक देना होगा। जो भी दोस्तों आप यहाँ पे बैंक का पासबुक देंगे उस पर सेल्फ अटेस्टेड साइन होना चाहिए, यानी दोस्तों उस पर एक सिग्नेचर आपको करवाना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना होगा, और उस रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पे आपको सिग्नेचर भी करवाना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक फैमिली ग्रुप फोटो देना होगा, यानी दोस्तों एक राशन कार्ड में जितना भी लोगों का नाम आप इसमें ऐड करेंगे उन सभी का फोटो एक साथ होना चाहिए, वो दोस्तों यहाँ पे JPG या फिर JPEG फाइल में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे होंगे उनका दोस्तों यहाँ पे एक हस्ताक्षर लगेगा, उनका सिग्नेचर करवा के आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी देना होगा, यानी दोस्तों यहाँ पे जिनका भी राशन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं अगर वो विकलांग होंगे तो उनका यहाँ पे विकलांग प्रमाण पत्र भी देना होगा, या फिर दोस्तों उनके साथ जितना भी लोगों का आप उसमें नाम जोड़ेंगे और उसमें से कोई भी एक विकलांग होगा तो उनका यहाँ पे एक विकलांग सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑल डॉक्यूमेंट बैंक अकाउंट फर्स्ट पेज। यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि सभी दस्तावेज बैंक खाता प्रथम पृष्ठ, प्रत्येक सदस्य का आधार और आवासीय प्रमाण पत्र, सब प्रमाणित फोटो एक ही दस्तावेज में विलय जरूर करें। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जितना भी लोगों का आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उन सभी का आधार कार्ड यहाँ पे लगने वाला है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे नया अपडेट में आवासीय प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है, और उस सभी पे सिग्नेचर भी आपको करवाना होगा। तो दोस्तों अगर आपके पास इतना डॉक्यूमेंट होगा तो फिर दोस्तों आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप यहां पे ऊपर आएंगे और यहां पे आप कर्सर रखेंगे। यहां पे जैसे ही आप कर्सर रखेंगे यहां पे हाईलाइट होके आ जाएगा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा न्यू अप्लाई, यहां पे देखने को मिलेगा रूरल, और यहां पे देखने को मिलेगा अर्बन। अगर दोस्तों आप यहां पे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप यहां रूरल पे क्लिक करेंगे, अगर दोस्तों आप यहां शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप यहां अर्बन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप यहां पे अपने हिसाब से देख लीजिएगा और यहां पे आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों आप वहां पे क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा, यहां पे जो भी क्षेत्र आप सेलेक्ट किए होंगे यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहां से आपको अनुमंडल सेलेक्ट करना होगा, तो आप यहां पे क्लिक करेंगे और जहां भी आपका अनुमंडल होगा आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। जैसे दोस्तों आप यहां पे अनुमंडल सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद दोस्तों आप यहां से अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, जहां भी आपका ब्लॉक पड़ता होगा आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना पंचायत सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा पंचायत से बिलोंग करते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे अपना गांव सेलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना गांव यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे अपना गाँव सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राशन कार्ड के आवेदक का विवरण, यहाँ पे आपको विवरण डालना होगा। तो जिनका भी नाम आप यहाँ पे डाले होंगे उनका यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा। इसके बाद तो उनका यहाँ पे पिता या फिर पति का नाम लिख दीजिएगा अंग्रेजी में। इसके बाद तो आपको यहाँ पे उनका पिता या फिर पति का नाम हिंदी में लिखना होगा। आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखिएगा और स्पेस का बटन दबाइएगा तो यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा। इसके बाद तो आपको यहाँ पे पूरा आवासीय पता डालना होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम आप यहाँ पे 60 कैरेक्टर में आप यहाँ पे अपना आवासीय पता लिख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा आवासीय पता में विलेज, पोस्ट, यहाँ पे पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको ये सब लिखना होगा। इसके बाद तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको लिंक सिलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से लिंक सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद तो आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे आपका उम्र शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे विवाहित होंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पे अविवाहित होंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे कार्डधारी से संबंध आपको यहाँ पे डालना होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी नाम आप यहाँ पे डालेंगे उनसे आपका क्या संबंध है आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद तो आपको यहाँ पे अपना जाति सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा श्रेणी से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हर जाति का यहाँ पे श्रेणी दिया गया है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा।
इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे व्यवसाय पूछा गया है कि आप काम क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना व्यवसाय सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना आय का स्रोत डालेंगे, यानी दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे इनकम किस तरह से आपके घर में आता है तो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि मासिक आय आपका कितना है, तो आप यहाँ पे कम से कम में अपना मासिक आय डालिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे 4000 से लेकर 5000 के बीच में ही आप यहाँ पे मासिक आय डालिएगा। अगर दोस्तों आप यहाँ पे ज़्यादा का मासिक आय डालेंगे तो फिर दोस्तों आपका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे राशन कार्ड गरीब लोगों का ही बनता है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट होकर दिखाएंगे तो आपका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। तो आप यहाँ पे कम से कम में ही अपना मासिक आय शो कीजिएगा। और फिर दोस्तों यहाँ पे आपका आधार संख्या और मोबाइल नंबर यहाँ पे देखने को ऑटोमेटिक मिलेगा, जो भी नंबर आप वहाँ पे शुरू में डाले होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विकलांगता, अगर आप यहाँ पे विकलांग होंगे तो यस करेंगे, नहीं होंगे तो आप यहाँ नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना बैंक का नाम डालना होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा वो बैंक आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैंक का आईएफएससी कोड सिलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारा बैंक का आईएफएससी कोड देखने को आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से अपना बैंक का आईएफएससी कोड सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अपना बैंक का आईएफएससी कोड डाल देंगे, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देंगे। बैंक अकाउंट नंबर डाल देने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे एक बार सही से देख लेंगे, अगर दोस्तों आपको यहाँ पे लगता है कि सब सही है तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप वहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप वहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों फिर आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडिट अप्लीकेशन, आप यहाँ पे कर्सर लाएंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे कर्सर लाएंगे, यहाँ पे एक और पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेंट सक्सेसफुल सबमिट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मेंबर ऐड करना होगा, यानी दोस्तों उस राशन कार्ड में जितना भी लोगों का नाम आप ऐड करेंगे उनको अब यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। तो अब यहाँ पे आप मेंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ मेंबर पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों सिंपली आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राशन कार्ड के अन्य सदस्य का विवरण, यानी दोस्तों उस राशन कार्ड में जितना भी लोगों का नाम आप इसमें ऐड करना चाहते हैं उनका अब यहाँ पे आपको नाम डालना होगा। तो आप यहाँ पे उनका नाम डालेंगे अंग्रेजी में, इसके बाद तो आप यहाँ पे उनका नाम डालेंगे हिंदी में, इसके बाद तो उनका यहाँ पे पिता या फिर पति का नाम डालेंगे अंग्रेजी में, इसके बाद तो उनका यहाँ पे पिता या फिर पति का नाम डालेंगे हिंदी में, इसके बाद तो आप यहाँ से उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, वो पुरुष है या फिर महिला है। इसके बाद तो आप यहाँ पे उनका जन्म तिथि सिलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। सही दोस्तों आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यहाँ पे एज शो हो जाएगा। इसके बाद तो अब यहाँ पे आपको विवाहित स्थिति डालना होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपका शादी हो गया होगा तो आप यहाँ विवाहित पे क्लिक करेंगे, नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ अविवाहित पे क्लिक करेंगे। इसके बाद तो यहाँ पे पूछा गया है कि कारधारी से संबंध, यानी दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कारधारी से आपका क्या संबंध है, यानी दोस्तों आप उनका बेटा लगते हैं या फिर भतीजा लगते हैं या फिर जो भी आप लगते हैं आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद तो आप यहाँ पे जिनका भी नाम आप यहाँ पे डालेंगे उनका आधार संख्या आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद तो आप यहाँ पे आपको अपना व्यवसाय सिलेक्ट करना होगा कि आप काम क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आय का स्रोत, यानी दोस्तों यहाँ पे आपके पास इनकम किस तरह से आता है आपको यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद तो आपको यहाँ पे मासिक आय डालना होगा कि आप यहाँ पे महीने का कितना पैसा कमाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे छोटा बच्चा होगा या फिर लड़की होगी अगर वो पैसा नहीं कमाते होंगे तो आप यहाँ पे 0-0 भी डाल सकते हैं। इसके बाद तो आपको यहाँ पे विकलांगता सिलेक्ट करना होगा, तो अगर दोस्तों आप यहाँ पे विकलांग होंगे तो आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे, अगर दोस्तों आप यहाँ विकलांग नहीं होंगे तो आप यहाँ नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद तो आप यहाँ एड मेंबर पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ एड मेंबर पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे सक्सेसफुल एड मेंबर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे जितना भी लोगों का नाम इसमें ऐड किए होंगे यहाँ पे आपका शो हो जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं पहले यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो भी नाम इसमें ऐड किए होंगे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर दोस्तों इसमें आपको कुछ लगता है कि गलत किए हैं तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे और भी लोगों का नाम इसमें ऐड करना होगा, तो आप यहाँ पे उनका नाम डालेंगे इंग्लिश में, इसके बाद तो आप यहाँ पे उनका नाम डालेंगे हिंदी में, इसके बाद तो आप यहाँ इस तरह से ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ ऐड मेंबर पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे एक और नाम आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों सभी के नाम ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद दोस्तों आप यहाँ अप्लाई पे कर्सर लाएंगे, इसके बाद तो आप यहाँ एडिट पे कर्सर लाएंगे, इसके बाद तो आप यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पे
क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप वहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे, आप यहाँ आधार पे चेक मार्क करेंगे, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पासबुक पे चेक मार्क करेंगे, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट पे चेक मार्क करेंगे, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ फैमिली फोटो पे चेक मार्क करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर भी करके लगाना होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे विकलांग हुए तो आप यहाँ चेक मार्क करेंगे, अगर दोस्तों आप यहाँ पे विकलांग नहीं होगा तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पे सभी पे चेक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे एक और बात को ध्यान में रखना होगा कि जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालेंगे उन सभी पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको एक फैमिली फोटो डालना होगा, तो आप यहाँ पे साइज देखेंगे जो कि दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम 100 KB तक ही फोटो होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो ये यहाँ पे फाइल सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी फोटो रखेंगे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे आपका फोटो शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उनका दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर भी लगने वाला है, वो भी दोस्तों यहाँ पे 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे इसी तरह से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी दोस्तों आप सिग्नेचर रखे होंगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे आपका सिग्नेचर शो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा जो कि दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम 1 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में एक PDF आपको बनाना होगा, जिसमें दोस्तों इस डॉक्यूमेंट में सभी का यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, यहाँ पे आपका पासबुक होना चाहिए, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका रेसिडेंशियल होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे न्यू अपडेट में यहाँ पे सभी का रेसिडेंशियल मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे सभी का रेसिडेंशियल भी होना जरूरी है, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा सभी का, जिनका भी लोगों का नाम आप इसमें डालेंगे उन सभी का यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। यहाँ पे न्यू अपडेट में यहाँ पे बताया गया है, पहले यहाँ पे शुरू में मैं आपको यहाँ पे बताया था, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी दिया गया था, तो यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे सभी का आवासीय प्रमाण पत्र देना पॉसिबल नहीं होगा तो दोस्तों आप यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जिनके भी नाम से राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पे रेसिडेंशियल जरूर डालिएगा। तो इन सभी को दोस्तों आप यहाँ पे एक PDF फाइल बना लेंगे जो कि दोस्तों यहाँ पे 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। PDF फाइल बना लेने के बाद दोस्तों आप यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी PDF आप रखे होंगे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ PDF फाइल सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद दोस्तों आप यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ अपलोड पे क्लिक कर देंगे इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। अब दोस्तों आप यहाँ पे गो टू फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा जो कि दोस्तों आप यहाँ पे अपना सारा डिटेल्स देखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे आप सभी पे नहीं पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे किसी पे भी आप यहाँ हाँ पे चेक करते हैं तो फिर दोस्तों आपका यहाँ पे राशन कार्ड नहीं बन पाएगा, तो दोस्तों आप यहाँ पे सभी पे नहीं पे चेक कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बारी बारी से पढ़ के बताऊंगा तो यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, आप यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ ओके पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे फाइनल सबमिट हो गया, आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वहाँ ओके पे क्लिक कर लेंगे इसके बाद दोस्तों जो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किए इसके बाद दोस्तों आप इसको ओपन करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे ओपन करेंगे आपका यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आप इसको एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आउट निकाल लेने के बाद दोस्तों आप इसको अपने पास रख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे इसका वेरिफिकेशन भी होगा, तो दोस्तों यहाँ पे वेरिफिकेशन कब होगा इसका जानकारी नहीं है, इसका जानकारी जैसे ही होगा मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस राशन कार्ड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड बना या फिर नहीं बना या फिर कहाँ तक पहुँचा है, तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे, अप्लाई पे कर्सर रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड अभी हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आगे का जो भी प्रोसेस होगा यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। सो इस वीडियो में जो भी मैंने आपको स्टेप बताया अगर आप उसको सही से फॉलो करते हैं तो आप भी दोस्तों घर बैठे आप अपने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो इसके बाद भी दोस्तों आप लोग कमेंट में किसी भी तरह का सवाल हो तो दोस्तों अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं।